हम जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी आप लोग कांस फिल्म फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार होना भी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई सितारे अपना जलवा दिखाते हैं और इंडिया को काफी प्राउड फील कराते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 को लेकर जहां आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, उनसे ज्यादा वो बॉलीवुड सितारे एक्साइटेड और नर्वस हैं जिन्हें की रेड कार्पेट पर चलना है। बॉलीवुड के ये सेलेब्स एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि एक बार फिर से इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उन्हें चलने का मौका मिलेगा और नर्वस इसलिए कि अगर उनके लुक में कोई कमी रह गई तो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई होने वाली है। वैसे कांस फिल्म फेस्टिवल में सेलेब्स के उप्स मूवमेंट होना, उनका लुक और मेकअप का खराब होना, उनका कंपैरिजन हॉलीवुड सेलेब्स से होना आम बात है। अब जब कांस फिल्म फेस्टिवल की बात हो और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या राय हर साल कांस के रेड कार्पेट पर चल इंडिया को काफी प्राउड फील कराती हैं। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है, लेकिन कांस लास्ट ईयर यानी कि 2022 में अपनी ड्रेस और अपने मेकअप की वजह से ऐश्वर्या को काफी कुछ झेलना पड़ा। उनका इरादा तो रेड कार्पेट पर अपना जलवा दिखाना था, लेकिन कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को गंदे से ट्रोल किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं आश का 2022 का कांस लुक, जिसने आश को गंदे तरीके से ट्रोल करवाया था। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में ऐश्वर्या राय तीन अलग अलग लुक में नजर आई। हॉट पिंक पैंट सूट जिसे उन्होंने लॉरियल ओपनिंग इवेंट के दौरान पहना। बाद में ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्लैक डोल्सी और गब्बाना गाउन जिस पर 3D फ्लॉस का काम था इसको पहना। इस गाउन को पहनने के बाद ऐश्वर्या राय उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जितनी कि वो पहले के कांस फिल्म फेस्टिवल में लग चुकी हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर जैसे ही ऐश्वर्या राय उतरी तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। ऐश्वर्या ने रेड कार्पेट पर चलने के लिए फ्लोरल टच के साथ ब्लैक गाउन पहना था। आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या के गाउन में राइट हैंड साइड पर ढेर सारे फ्लावर्स हैं और उनके गाउन के लेफ्ट साइड में एक पूरी कली है जिस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं। वहीं अपने लुक को पूरा करने के लिए ऐश्वर्या ने न्यूड मेकअप किया था। ऐश्वर्या राय का ये कांस लुक देखकर लोगों ने खुद पर काबू न रखा और कर दिए ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स जिसकी उम्मीद खुद एक्ट्रेस ने कभी ना की होगी। कई लोगों ने ऐश्वर्या के मेकअप का मजाक उड़ाया तो कुछ लोगों ने उनके मोटापे की वजह से काफी खरी खोटी सुनाई। ऐश्वर्या राय बच्चन के वीडियोस और फोटोज पर तमाम तरह के कमेंट्स देखने को मिले। ऐश्वर्या राय बच्चन के लिप जॉब को लेकर भी लोगों ने कमेंट किया तो वहीं किसी ने पूछा कि क्या वो प्रेग्नेंट है, तो कोई ये कहता नजर आया कि यार ये तो बहुत बुढ़ी लग रही है। एक यूजर ने ये तक कहा कि कितना मेकअप पोतोगी, तो एक शख्स ने कमेंट किया कि ये सब प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स की वजह से है। ऐश्वर्या राय के कांस लुक की वजह से उन्हें लास्ट ईयर काफी कुछ झेलना पड़ा, लोगों ने उन्हें गंदे से ट्रोल किया। इस साल भी ऐश्वर्या राय बच्चन माना जा रहा है कि कांस के रेड कार्पेट पर चलती नजर आएंगी। ऐसे में ऐश्वर्या इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हैं इस साल कि पिछले साल की तरह उनसे कोई ऐसे मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्रोल करें। तो देखा आपने, मिस वर्ल्ड तक को लोगों ने उनके लुक की वजह से बख्शा तक नहीं, और ये बाकी के आम लोग फिर क्या चीज हैं? वेल, आज की हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी बहुत सारी गॉसिप्स और थ्रोबैक स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट। अगर आपने फिल्म बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सबसे पहले फिल्म बीट को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप उसे लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो भी करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।